जोमैटो और स्वैगी का बिजनेस मॉडल आप लोगों को सीखना है, आप लोगों को पता करना है ये भाई लोग कैसे पैसा कमाता है ये कंपनी लोग। दोस्तों ये कंपनी का पास कुछ भी नहीं रहता है, सिर्फ दिमाग से पैसा कमाता है। आप लोगों के पास भी दिमाग है मगर आप लोग खटाते नहीं वो दिमाग को। ये जोमैटो और स्वैगी भाई लोग क्या किया, सबसे पहले एक वेबसाइट क्रिएट किया, ठीक ना। सबसे पहले एक कंप्यूटर में वेबसाइट क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद वो वेबसाइट को दुनिया के पास पहुंचा दिया, एडवर्टाइज़ किया, गूगल एडवर्टाइज़ किया, यूट्यूब एडवर्टाइज़ किया, सब चीज़ में एडवर्टाइज़ किया, ठीक ना। उसके बाद ये कंपनी को सब पुचार कर दिया और सब बंदी के पास ये वेबसाइट चला गया और ऐप्स के बारे में सबको नॉलेज आ गया जो इस ऐप्स में फूड डिलीवरी मिलता है। और ये भाई लोग क्या किया, खुद के ऐप्स हैं, जनता है, उसके पास सप्लाई कैसे होगा, ठीक ना। मैंने खाना कहाँ से मिलेगा, खाना मिलने के लिए ये भाई लोग क्या किया, नियर बाई जितना भी आउटलेट, जितना भी खाने का रेस्टोरेंट है या होटल है वहाँ से लिंकअप किया और उसको पूरा अपना ऐप्स में भर दिया और खुद का एक डिलीवरी रख दिया, बस काम ख़त्म। एकदम आसान मॉडल है, खाने किसी का और का, और सेल कौन कर रहा है, जोमैटो और स्वैगी भाई लोग, और डिलीवरी बॉय सिर्फ बस। और डिलीवरी बॉय का भी पैसा कहाँ से मिलेगा, डिलीवरी बॉय का तो खाना से मिलेगा आपका, जैसे कि एक खाने का प्राइस कितना है, जितना भी प्राइस है उसमें से 20 रुपये आपका डिलीवरी चार्ज रख देता है। तो दोस्तों सोच ही पा रहे हो कितना स्मार्ट दिमाग, खुद का सिर्फ एक ऐप्स बना दिया। देखिए कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई खाना नहीं है, कोई खाना बनाता नहीं है, मगर सिर्फ इसका एक वेबसाइट, जैसे कि एक रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में आप जाओगे तब आपको मैंने पता चलेगा ना कितना इसमें मेनू है, मगर आप घर बैठे जोमैटो या स्वैगी ऐप्स के द्वारा आपको पता चल जाएगा जब मुझे ये खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, इसका रेट इतना है, उसका रेट इतना है, आपको आइडिया आ जाता है। उसके बाद खुद आप तुरंत ऑर्डर कर देते हो और जोमैटो बॉय जिसको बोलता है डिलीवरी बॉय, उसका डिलीवरी जाके उस रेस्टोरेंट से वो माल पिकअप करता है और आपको डिलीवरी दे देता है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।